तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो विवेकानंदा कॉलेज का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फाइनली आउट हो चुका है। तो सारे कॉलेजेस अपना धीरे धीरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलीज करना ज़रूरी होता है। काफ़ी स्टूडेंट आप चेक कर पाएंगे कहाँ आप लाइक कर रहे हो, आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लोग ये चीज़ें करते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है वो सारा चीज़ें आपको चेक कर लेना है, कहाँ पर आप रैंक लाई कर रहा है उसी हिसाब से आप देख पाओगे कि आपका एडमिशन कहाँ होने वाला है। इसीलिए मैंने भी बोला था आपसे पहले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को टारगेट करो, इस जैसे आपका क्या होगा कि बैकअप ऑप्शन रहेगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने फॉलो किया था, अगर वीडियो देखा था। ठीक है, तो यूजी एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इतने कोर्सेस है आपका, और ये सारे कोर्सेज में जिन्होंने अप्लाई किया होगा सारा लिस्ट आ जाएगा। अब आपको कोई भी कोर्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही चेक कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं कोई कोर्स ले लेता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हो मैं बीकॉम ले लेता हूँ। ठीक है, तो बीकॉम पर मैंने डाला, और बीकॉम ये जनरल है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे। ठीक है, क्लिक हेयर करने के बाद एक आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक पीडीएफ बना के दे दिया है सबके लिए, तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा लंबा पीडीएफ है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का उसमें लिस्ट होगा, तो डाउनलोड हो रहा है। फिर डाउनलोड होने के बाद आपको खुलता है तो बता देते हैं। तो फाइनली पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बीकॉम कैटेगरी ऑल कैटेगरी के लिए आपको दिया गया है, और इधर आपका फॉर्म नंबर ये लिखा हुआ है, और जिनका नाम होगा उनका लिखा है, टॉप फोर में आपका मार्क्स कितना है वो लिखा है, और नॉर्मलाइज टोटल स्कोर ये लिखा है। ठीक है, इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका बनने वाला है मेरिट लिस्ट। तो ये सारे लिस्ट है, ये आपका रैंक है, सीरियल नंबर, रैंक, सारा चीज़ें सेम ही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रैंक वाइज सारा चीज़ें बताया गया। तो किस रैंक पर आप लाइक कर रहे हो थोड़ा सा आप कमेंट करके बताओ। ये सारे चीज़ें हैं, देख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन इतने चीज़ें हैं, और इसका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए इसमें 50 सीटें हैं, तो 50 लोगों का इसमें से सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ कैटेगरी के आएंगे, कुछ जनरल वाले आएंगे, उसके बाद इसमें से क्या होगा कि 50 लोगों में से जो एडमिशन लेंगे उनका कन्फर्म हो जाएगा सीट। फिर जो लोग छोड़ेंगे वो अगले लिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट जो रैंक वाले होंगे उनको मौका दिया जाएगा। ऐसे आपका राउंड चलेगा। ठीक है, 3-4 राउंड तो आराम से ही चलने वाला है। तो ऐसे ही सारे कोर्सेज को आप देख लोगे, मैंने एक कोर्सेज का आपको बता दिया। फिर इन्होंने ये बोला है कि लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ फाउंड एनी डिस्क्रिप्रेंसी कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑफिस पॉजिटिवली बाय 2 PM ऑन 18/7/2023। यानी आपका जो भी अगर गलती पाया जाता है, ये लिस्ट है पूरे स्टूडेंट का जो सबमिट किए थे एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई भी गलती आपको पाया जाता है इसमें, आपको मान लीजिए कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप कॉलेज के ऑफिस को कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, 2 PM से 2 PM को 18/7 यानी कल 2 PM तक आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर कोई गलती है तो। और मान लीजिए जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, तो आपको अपलोड कर लेना है कल ही 2 बजे तक, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। होप ये प्रोविजनल लिस्ट समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा रैंक बताइए अपने हिसाब से, फिर आपको अपडेट देता हूँ कैसे आपका एडमिशन होगा। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।